सत्ता में। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मोदी के शांति पथ की। ये एक ऐसा रास्ता है जो पीएम मोदी ने भयानक युद्ध के बीच भारत की शांति प्रिय नीति की मदद से बनाया है। पीएम मोदी इस समय दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जिन्होंने पिछले दो महीनों में रूस और यूक्रेन दोनों के राष्ट्राध्यक्षों से मुलाकात की है और शांति का संदेश दिया है। आज ज़ेलेंस्की से उनकी मुलाकात थी, युद्ध क्षेत्र में हुई है। यूक्रेन पिछले ढाई वर्षों से बम, मिसाइल और टैंक वाला बारूदी विध्वंस झेल रहा है। तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि पीएम मोदी रेल फोर्स वन से 10 घंटे की यात्रा के बाद जब यूक्रेन की राजधानी कीव पहुंचे तो उनका भाव क्या था। कीव में भी पीएम मोदी का अंदाज मॉस्को वाला ही था। जिस गर्मजोशी के साथ पीएम मोदी मॉस्को में रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मिले थे, उसी गर्मजोशी और शांति वाले संदेश के साथ आज ज़ेलेंस्की से भी मिले। यही भारत की कूटनीतिक शक्ति है। युद्ध लड़ने वाले दोनों देश न सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बल्कि आमने सामने बैठकर हर मुद्दे पर बात भी कर रहे हैं। पीएम मोदी ने जिस तरह पुतिन के सामने शांति की बात की थी, ठीक उसी तरह आज ज़ेलेंस्की के सामने शांति की बात की, युद्ध को खत्म करने पर जोर दिया। पीएम के साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर और एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद थे। पीएम मोदी ने कहा कि भारत से शांति संदेश लेकर मैं आया हूं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि रूस और यूक्रेन मिलकर युद्ध का समाधान निकालें, रूस यूक्रेन बिना समय गंवाए बातचीत शुरू करें। युद्ध से नहीं, बातचीत और कूटनीति से ही समस्या हल होती है। युद्ध की विभीषिका से दुख होता है। सभी को एक दूसरे की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि युद्ध बच्चों के लिए विनाशकारी है। आज कीव में कूटनीतिक तेवरों के साथ साथ पीएम मोदी का भावुक अंतर्मन भी देखने को मिला। जब वो ज़ेलेंस्की के साथ यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम पहुंचे तो उन्होंने जंग में मारे गए बच्चों को श्रद्धांजलि दी, बच्चों के मेमोरियल पर पुष्प अर्पित किए। पीएम ने कहा कि कोई भी जंग बच्चों के लिए सबसे ज्यादा विनाशकारी होती है। आपको बता दें कि यूक्रेन के नेशनल म्यूजियम में रूस के हमले में मारे गए बच्चों की याद में उनके खिलौने रखे गए हैं। सिर्फ 60 सेकंड की न्यूज रील में पीएम मोदी के कीव दौरे की तस्वीरों को देखिए, उसके बाद वॉर जोन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी आपको दिखाएंगे। हम बहुत ही कन्विक्शन के साथ युद्ध से दूर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम तटस्थ थे, हम न्यूट्रल नहीं थे। हम पहले दिन से ही पक्षकार रहे हैं और हमारा पक्ष है शांति का। हम बुद्ध की धरती से आते हैं जहां युद्ध को कोई स्थान नहीं होता है। हम महात्मा गांधी की धरती से आते हैं जिसने पूरे विश्व को शांति का संदेश दिया है। शांति का संदेश लेकर के आया। ऐसे से आप भले भांति जानते हैं, यूक्रेन के लोग भी भले भांति जानते हैं कि शांति के हर प्रयास में भारत का सक्रिय योगदान रहा है। और आप भले भांति जानते हैं कि हमारा अप्रोच पीपल सेंट्रिक रहा है। और मैं आपको भी और पूरे विश्व समुदाय को विश्वास दिलाना चाहता हूं, और वो भारत का कमिटमेंट है। और हम स्पष्ट मानते हैं कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान हमारे लिए सर्वोपरि है, हम उसका समर्थन करते हैं। मैं पिछले दिनों रशिया के मुलाकात के लिए गया, वहां भी मैंने साफ साफ शब्दों में अपनी मांग कही है कि किसी भी समस्या का समाधान रणभूमि में कभी भी नहीं होता है। समाधान का रास्ता बातचीत से ही निकलता है, डायलॉग से निकलता है, डिप्लोमेसी से निकलता है। और हमने बिना समय गंवाए उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। दोनों पक्षों को साथ बैठ करके
इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने के रास्ते तलाशने होंगे। युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी ट्रूथ होता है, लेकिन जब आज मैं उन बालकों की स्मृति में बनाए हुए म्यूजियम को आपके साथ जाकर के अपने श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहा था तो मेरा मन भरा था, दिल को गहरी चोट पहुंची थी। और मुझे लगता है कि युद्ध की सबसे पहली कैजुअलिटी किसकी होती है तो निर्दोष बालकों की होती है, और वो बहुत दर्दनाक। प्रधानमंत्री मोदी एक दिन के दौरे पर आज सुबह 7:30 बजे कीव पहुंचे थे। कूटनीतिक रिश्ते की बात करें तो भारत और यूक्रेन के बीच 4 समझौते हुए। कृषि, चिकित्सा, संस्कृति और मानवीय सहायता में सहयोग के लिए 4 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी और जेलेंस्की के बीच यूक्रेन के मरिंस्की पैलेस में करीब 3 घंटे बैठक हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने जेलेंस्की को भारत आने का न्योता दिया। दोनों नेताओं ने कई द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की। बैठक के बाद विदेश मंत्री एस जयशंकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि मोदी और जेलेंस्की ने जंग के बाद भारत के रूस से तेल खरीदने पर भी बात की है। इससे पहले ही पीएम मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल से मंजूरी मिल चुकी थी। भारत और यूक्रेन में समझौते से पहले जो तस्वीरें दिखी उसमें कई संदेश और संकेत छिपे थे। पीएम मोदी ने साफ साफ कहा कि वो बुद्ध की धरती से आए हैं जहां युद्ध का कोई स्थान नहीं है। भारत महात्मा गांधी की धरती है जिन्होंने पूरी दुनिया को शांति का संदेश दिया है। उन्होंने 140 करोड़ भारतीयों की तरफ से रूस और यूक्रेन के लिए शांति वाला संदेश दिया। मुलाकात, कूटनीति और शांति संदेश के बीच मानवता और लोक कल्याण वाली एक तस्वीर आज कीव में देखने को मिली। पीएम मोदी ने जंग के बीच यूक्रेन की मानवीय सहायता के लिए जेलेंस्की को भीष्म मेडिकल क्यूब दिए। ये कॉम्पैक्ट किट जंग में घायल लोगों और सैनिकों के इलाज में मदद करेगी। आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब के जरिए आपदा के समय घायलों का इलाज मौके पर ही किया जा सकेगा। इसे कहीं भी एयरलिफ्ट करने के जरिए पहुंचाया जा सकता है और एक क्यूब के सेट में एक वक्त में 200 मरीजों का इलाज हो सकता है। यानी एक ही समय में युद्धग्रस्त क्षेत्र में भारत के आरोग्य मैत्री भीष्म क्यूब से 800 घायलों का इलाज मुमकिन हो सकेगा। इससे भारत की उदार सोच और शांति प्रियता का पता चलता है। एक तरफ वो देश हैं जो इस युद्ध में व्यापार की संभावनाएं देख रहे हैं और यूक्रेन में हथियार बांट रहे हैं, दूसरी तरफ भारत है जो भीष्म मेडिकल क्यूब के जरिए युद्ध से पीड़ित लोगों के जख्म भर रहा है। जख्म करने वालों और जख्म भरने वालों के बीच का ये फर्क दुनिया याद रखेगी। पीएम मोदी के कीव दौरे के दौरान TV9 भारतवर्ष के संवाददाता विपिन चौबे वहां मौजूद थे। आपको उस जगह से रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पीएम मोदी और जेलेंस्की गए थे, जो जगह आज दो देशों के बीच समझौते का गवाह बनी, जो जगह आज भारत की कूटनीतिक कामयाबी का साक्ष्य बनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कीव यात्रा के दौरान इस वक्त प्रेसिडेंशियल पैलेस ऑफ यूक्रेन की पहुंच चुके हैं, जो कि राष्ट्रपति जेलेंस्की का आधिकारिक आवास है। और इसी प्रेस रूम में थोड़ी देर पहले वो यहाँ पर आए थे और यहाँ पर इसी झंडे के सामने उन्होंने हैंडशेक किया और उसके बाद प्रधानमंत्री ने अपना मैसेज इस रजिस्टर में आकर रिकॉर्ड किया। इस कुर्सी पर वो बैठे और उनके बगल में उस वक्त प्रेसिडेंट जेलेंस्की यहाँ पर मौजूद थे। इसी रजिस्टर में उन्होंने अपना मैसेज रिकॉर्ड किया है और आप देख सकते हैं कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मैसेज है, उन्होंने सिग्नेचर किया और ये वो भारतीय प्रधानमंत्री का मैसेज है जो हम आपको इस वक्त कैमरे पर दिखा रहे हैं, जिसमें पीएम मोदी ने अपने हस्ताक्षर किए हैं इस टेबल पर बैठकर। और जब वो इस कमरे में प्रवेश किए तो प्रेसिडेंट जेलेंस्की भी उनके सामने मौजूद थे उनके साथ।